देखिए कितनी मेहनत होती है एक वीडियो के लिए। एक और तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आज के ब्लॉग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं रील बना रही हूँ क्योंकि गर्मी की छुट्टी है तो मुझे भी थोड़ा सा रिलीज है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा काम कर लूँ। घर पे तो सारा काम अकेले करती रहती हूँ लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना मेरी सिस्टर जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। तो फुल दिन हम पूरा मैं फ्री मतलब ऐसे बैठे बैठे खा रही हूँ, पी रही हूँ, ना बर्तन धोने की चिंता, ना झाड़ू पोछा की, सोती रहती हूँ, उठती हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो वीडियो का काम कर लेती हूँ, फिर सोती रहती हूँ। तो फुल ऑन मेरी मस्ती चल रही है। आई होप कि पूरी उम्मीद के साथ कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए देखिए आज हम क्या क्या करते हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। तो यहाँ पे देखिए माई बेटी को, मतलब मौसी बेटी आ रहा। तो यहाँ पे देखिए दोनों मौसी बेटी कैसे सोई हैं और सुबह के बज गए हैं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नहीं इसको उठना नहीं है और एक उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग, और मैं सोई थी यहाँ, और यहाँ सोई थी और तकिया भी आ चुका है यहाँ पे। और मैं आपको, ये मेरा फ़ोन आज टूट गया है, ये देखिए इस फ़ोन के पर खच्चे उड़ चुके हैं। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 9 बजने वाले हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलूँ, ये दोनों जग चुकी हैं तीनों। ये सुन ना, रात भर गर्मी से पूछिया कितरे ए मस ए अहिजस्कन का भाग हुए मरैला का बात ताई रहो थी नीचे सुते। चलिए मैं जा रही हूँ चाय बनाने और दामा उखड़ गया है। मुझे पता नहीं कौन सुबह सुबह ना रोज यहाँ पे मछली जैसा कुछ पता नहीं कौन बनाने लगता है। तो वो आ गया, वो ना इतना सरक रहा है, रोज सुबह एकदम मसाला जलने लगता है, सबको दामा उखड़ जाता है घर में, सब एक लाई जा करने लगते हैं कभी कभी। बस उसके बाद में सब सबकी नींद उसी मसाले से ही खुलती है। अगर वो मसाला नहीं तो कोई नहीं हमारे घर में उठता है। फिर आज गोलू का भी प्लान है, खूब मिर्चा का तड़का लगाने वाली है। तो चलिए चलते हैं हम लोग किचन में क्योंकि हाँ मतलब इतना लोग ये नहीं कि मसाला जल रहे तो उसमें पानी डाल देता कि वो सर के नहीं है दरवाजा खिड़की खोल दे। चलिए चलते हैं किचन में और बनाती हूँ मैं एकदम गर्मा गर्म चाय क्योंकि रोज और आज मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि मुझे निकलना है कहीं। और सुबह बनारस में आ गया है पूड़ी सब्जी। ऐसा हो सकता है कि तुम लोग आओ या कि कोई भी आए बनारस में कचौड़ी सब्जी ना खाए। और ये सब लोग खाने की तैयारी में, मम्मी मेरी सोई हुई है, सोई नहीं बैठी हुई है, एक प्रकार सोई है, मेरी मम्मी का आसन है। इसमें पनीर है और इसमें क्या बोलते हैं चना है काला वाला, इसमें आलू है, इसमें पालक है ना, मेथी है, मेथी है और ये गर्मा गर्म इसमें भी मेथी है ना, इसमें कसूरी मेथी, कसूरी मेथी बहुत मतलब पूरी नहीं लगता होता है थोड़ा सा। चलो खाते हैं, पहला बाइट लगा, देखो इस तरह से दिख रहा है। बनारस के हर एक गली में हर एक मतलब हर जगह मिलेगा लगता है इसमें। और ये बहुत अलग अलग शुद्ध घी में अलग अलग तरीके की कचौड़ी, यहाँ पे तो फेमस एक कचौड़ी गली ही है, नाम ही है उस जगह का नाम कचौड़ी। यहाँ पे अलग अलग तरीके की कचौड़ी मिलते हैं। मैं आप लोग को वीडियो में कभी हम लोग दिखाएंगे है ना, कभी रिव्यू करने जाएंगे, कभी गए नहीं हम लोग, छह सात साल बाद जाएंगी इसका मैं गारंटी लेती हूँ।
तुम इसको मंथ भी बोलते हो। चल कर और मैं खा लो, तुम भी फिर चलो। ठीक है चलो। तो हेलो जी, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते 3 दिन हो चुके हैं और हम कहीं जाने वाले हैं, उसके लिए हो रही है हमारी पैकिंग। और पैकिंग जो है वो मोस्टली हो चुकी है। मैंने बताया मैंने साड़ी ले आई है, सूट लिया, मतलब सब कुछ मेरा ऑलरेडी मोस्टली पैक हो चुका है। और मुझे कॉल आया था सुचिता का, जो कि पता ही है आपको, उनकी बेटी का बर्थडे है। तो उन्होंने मुझे बहुत टाइम पहले, मतलब 1 महीना पहले ही उन्होंने मुझे कॉल किया था कि दीदी आपको आना है, और आना ही है बेटी के बर्थडे में। बट उनका नेचर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत प्यारी हैं। बट मेरा ना ऐसा हो गया है कि मैं जाने वाली थी, पूरा मतलब प्लान कर लिया था कि नहीं जाना ही जाना है और सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ अर्जेंट आ पड़ा है ना, मतलब कि मैं चाह के भी ना नहीं जा पा रही हूँ। और मतलब इनविटेशन हर जगह से मुझे आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तो मुझे कोई इनवाइट नहीं कर रहा है, बुला नहीं रहा है, या फिर ऐसा है, या मेरे किसी से कुछ अनबन हुआ है। मेरा ऐसा नेचर है जो बहुत शांत है, बहुत अलग है दूसरों से, तो मुझे हर कोई बुला रहा है हर, लेकिन मेरा ना पता है मतलब नहीं हो पा रहा है। अगर रम्या के पापा मेरे साथ में जाते तो मैं बहुत ईजिली कहीं भी चली जाती। देखिए मैं खुल के बोलती हूँ आप लोग से, मैं कोई बहुत बंधु बातें तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो आप मुझे जानते हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मतलब मेरे पास 4-व्हीलर नहीं है कि मैं यहाँ पहुँच गई कल मैं वहाँ पहुँच गई बहुत ही आराम से। ट्रेन की टिकटें हैं, कभी कंफर्म नहीं मिलती हैं, कभी मतलब ट्रेन की टिकटें इतना, मतलब आज से 5 सालों में कितना बदल चुका है। आप कितना भी कोशिश करिए ना, टिकट 2 महीना पहले नहीं करवाया ना तो टिकट मिलती ही नहीं है। तो अगर किसी का 8 दिन पहले कॉल आता है यहाँ वहाँ, तो मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि वो ना मेरी टिकट नहीं मिलती। दूसरा मेरा बच्चा है, उसकी पढ़ाई मेरी वजह से मैं नहीं चाहती कि डिस्टर्ब हो, और मैं वहाँ नहीं रहती हूँ तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ वहाँ नहीं जाती हूँ, ये मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। तो इस वजह से, और दूसरा कि मतलब ना YouTube पे बहुत अंदरूनी, बहुत राजनीतियाँ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, दूसरे तरीके के हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं चीज़ें कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे दिल से मतलब इच्छा थी कि मैं सुचिता के यहाँ जाऊँ, क्योंकि वो एक होता है ना कि मतलब मैं मिली तो नहीं हूँ, बट उनकी मेरी जब भी बात होती है, बहुत ही एक गुड क्या होता है, वाइब बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी वाइब आती है उनकी। तो मैं चाह रही थी, बट वहाँ पे जाती मैं सबसे मिलना हो जाता मेरा, और प्लान भी मैं कर रही थी, बट मैं नहीं जा पाऊँगी इसके लिए। तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब पूरा कोशिश किया मैंने, बट कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और मिलते हैं आप सबसे कल एक अगले वीडियो, एक अगले दिन के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना सारा पैकिंग दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, जैसे कि अभी गोलू की पैकिंग नहीं हुई है। एक जो सूट में प्रियंका के लिए लेके आई थी, वो जो है वो क्या हुआ है, हाँ वो गोलू को भी सूट चाहिए, तो मेरा गोलू ने एक सूट ले लिया है, तो मैं उसको एक्सचेंज करके उसके लिए दूसरा सेम लेके आऊँगी। और कुछ हाँ पैकिंग दिखा रहे, और कुछ बैंगल चूड़ियाँ वगैरह लेनी है, और मुझे ना नेल्स करवाने हैं थोड़े से, मतलब ये देखिए फर्स्ट टाइम, पहली बार मेरी लाइफ में, वैसा नहीं मतलब परमानेंट नहीं कि 5-6 महीने 4 महीने 3 महीने के लिए नहीं, मतलब कुछ दिनों के लिए, ताकि जहाँ मैं जा रही हूँ थोड़ा सा हाथ मेरे अच्छे दिखे, क्योंकि ये बर्तन घिसे हुए, ये झाड़ू लगाए हुए, ये पोछा घिसे हुए, ये चावल बिने हुए, ये चना साफ किए हुए हाथ है, किसान की वाइफ के हाथ है, तो थोड़ा सा अच्छा करने की मैं कोशिश करूँगी। बाकी मैं थ्रेडिंग वगैरह करवाऊँगी, जो कुछ भी आगे की वीडियो में अपडेट दूंगी आप सबको। तो चलिए मैं आपको अपना पैकिंग दिखा देती हूँ कि अभी फ़िलहाल मैंने क्या क्या पैक किया है। मैंने मतलब मैं पहले तो ये प्लान था कि हम वहाँ भी जाएंगे, तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए थे, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने दो मतलब फिर से मुझे अनपैक करके वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ी, तभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये जो डोरेमान दिख रहा है ना, ये वाला सूटकेस, ये किसका है, ये रम्या का है। और इसमें मेरा मेकअप, एक्सेसरीज, मतलब चूड़ी, बैंगल, कान, नाक, आँख, सब कुछ इसमें हो गया है, इस वाले ब्लैक वाले। और इसमें मेरा सिर्फ मेरे कपड़े हैं, क्योंकि हम बस एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो ज़्यादा कपड़े नहीं लिए। और ये मेरा स्लीपर है जो मैं लेके जाऊँगी। इधर ये मटका है, पैक कुछ कुछ होके फिर हाँ, उधर हाँ। भी, और ये भी पैक हो चुकी है, ये आईफोन का कवर इधर से उधर, इधर से, ये सारे फोन के ना कवर साफ कर रही है, ये बहुत समझदार है। बस साइज,
हाँ ये वाला सूट गोलू को बहुत अच्छा लगा है तो ये उसने ले लिया है। और ये कॉस्टली भी था थोड़ा सा, ये देखिए ऐसा था। और ये प्रियंका को चेंज क्या करवाना है प्रियंका, इसको अगर ये साइज साइज इससे छोटा चाहिए, जबकि ये मीडियम है, नहीं मीडियम ही है, और इसको स्मॉल चाहिए, तो ये दोनों ना चेंज करवाने हैं, दोनों के बस साइज चेंज करवाने हैं, बाकी सूट सबको पसंद है। तो प्रियंका ने अपनी 6 साल पुरानी टी शर्ट रात को निकाल ली थी, क्यों निकाली प्रियंका? ये बहुत कंफर्टेबल है। हाँ गर्मी हो रही थी बेचारी को। और ये मेकअप ना ये रम्या लेके जा रही थी, कल उसे छीना गया है, कहीं नहीं बस लिप बाम और लिप कुछ भी नहीं रखी है बेचारी, बस क्लिप रखी है, फिर भी ले रही थी, फिर उसे छीन लिया गया। चलो रम्या रेडी हो जाओ रम्या। तो हो गई है हमारी पैकिंग, मिलते हैं आप सबसे कल, क्योंकि आज का मेरा जो कुछ भी काम है मैं चल रही हूँ अपने काम में लगने, और मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।